हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीत कुमार ने नयन तरह की मस्ट ऑडेड मूवी विश्वासा मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सा और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों बात की इस मूवी के बारे में तो विश्वासम भाषा एक दो हजार उन्नीस भारत तमिल तो भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है फिल्म में अजीत कुमार नयनतारा जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्रन है सत्य ज्योति फिल्म द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई दो में शुरू हुई थी फिल्म ने तमिलनाडु में पंद्रह करोड़ केरल में दो करोड़ कर्नाटक में वन करोड़ से अधिक शेष भारत में एक करोड़ से अधिक की कमाई की ओवरसीज में सात करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल पच्चीस पॉइंट फोर करोड़ के साथ फिल्म ने भारत में दो दिनों में तैंतीस पॉइंट फाइव जीरो करोड़ की कमाई की फिल्म ने तीन सप्ताह में दुनिया भर में एक सौ अस्सी करोड़ का कलेक्शन किया फिल्म को प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू एक्शन दृश्य साउंड ट्रैक फिल्म के स्कोर और भावनात्मक व बागफल की प्रशंसा करते हुए विकसित समीक्षा मिली लेकिन निर्देशन पटकथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई टाइम्स ऑफ इंडिया के ने पाँच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने के को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है वास्तविक तो कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित तो हो जाता है लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने लायक मनोरंजन बन फिल्म बनाती है बिहाइंड थर्ज ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला प्रशंसकों को, को संतुष्ट करने के लिए सही व्यवसायिक तत्वों के साथ पैक किया गया है फिल्म कंपनियों ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा मुख्य धारा की बहुत सारी फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताते बताने के नए तरीके खोजने के लिए बारे में है विश्वासम के साथ से और अधिक करते हुए हैं वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं पहला पद पाँच में से तीन रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है विश्वासम के पास थिएटरों थिएटर में जाने लायक कई पल हैं बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार धाम, दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षण में से एक है एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है फिल्म जिसके अपने मुद्दे हैं लेकिन फिर भी यह देखने में काफी मनोरंजक है इंडियन ग्लीट्स ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा विश्वासम शिव है अजीत कॉम्बो का परिवारों को के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार सिफी ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा अजीत आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में भी है अभिनेता थकुदुराई के रूप में सुपर ऊर्जावन देखते हैं विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है जाए और अपने परिवार के साथ आनंद लें इंडियन टूडे पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक मेरू थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा कहती है द न्यूज़ मिनट ने पाँच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए कहा विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है द हिंदू ने कहा फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना कराना है होता है लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यवसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है शिव एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है सिनेमा एक्सप्रेस ने पांच टू से फाइव स्टार रेटिंग देते हुए कहा निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना, देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है विश्वासम को जन्म दस जनवरी दो हज़ार उन्नीस को रजनीकांत अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था यह फिल्म पच्चीस फरवरी दो हज़ार उन्नीस को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी सैटेलाइट राइट्स ऑन नेटवर्क को बेचे गए थे साउंड ट्रैक एल्बम डी डट इमान द्वारा रचित है जो अजीत कुमार और शिव के साथ है उनका पहला सहयोग है बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन जावा के लिए कॉपी किया गया था जिसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया और रितेश देशमुख के मुख्य भूमिका में थे मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च दो को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई यह अंतर सात मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर दो में समाप्त हुआ और पोंगल दो के लिए जारी किया गया था अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की घोषणा नवंबर 2017 में के अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर ट्वीट हैडल के माध्यम से की गई थी फरवरी 2018 की शुरुआत में नयन तरा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया था डी डडी मान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था बतौर अभिनेता योगी बाबू की सौवीं फिल्म होंगी थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार नयनतारा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी श्वेता थुकुदुराई के थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्रन जगपति बाबू गौतम वीरा के रूप में थुकुदुराई के प्रतिदत्ति केशवन के रूप में विवेक थम्बीर मैया रोशमानी के रूप में रोबोशंकर मेरिट के रूप में फिलोमी फिलोमिना के रूप में कोई शर्म योगी बाबू वेलू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सोलोनी उमेश बर्डीन कलरानी पेची अम्मा के रूप में थोकुदुराई की चाची थोकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार की चाची के रूप में रजिता थोकुदुरई के चाचा के रूप में ए आर आर मनोहर थुकुदुराई थुकु की दादी के रूप में चेनी अम्मा जंगीरी मधुमी मधुमिता थुकुदुराई की चचेरी वाहन के रूप में थुकुदुराई के दोस्त के रूप में रमेश तिलर थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण तुकुदुराई श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी गौतम की पत्नी के, 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 के रूप में सुरेखा गौतम के सहायक के रूप में रवि प्रकार, दयाप्पन के रूप में माइम गोपी कोजी मुथ के रूप में ओ की सुंदर तुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लक्की निरंजना के सहयोगी प्रबंधन के रूप में निरंजना के सहकर्मी प्रिया के रूप में पारी पापरी घोष निरंजना के सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल निरंजना के सहयोगी के रूप में टी एम कार्तिक निरंजना के सहयोगी के रूप में शर्मिला थापा जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरई राज एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कांडा मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप के रूप में छत्रपति शेखर के दोस्त को कोजी मुतु की सहायक के रूप में संपत राम एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजक एक पहलवान के रूप में रवि वानान एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसिंह तुकुदर मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ यह फिल्म दस जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली डी डा डी मान ने सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता तो थेनी में अपनी गांव कोडुवी रापट्टी के प्रतिद्ध प्रतिष्ठित मुखिया मुखिया और व्यवसायी है दस वर्षों के बाद गांव के अयन्नार मंदिर में एक वीजा होने वाला है जब थूकुदुराई को प्रतिद्वंदी कोजी मुतु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थूकुदुराई का घमन उसे और उसके गोर्गे को डराता है इसलिए वीजा योजना के अनुसार होता है हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं बहुत विचार विरमा विमर्श के बाद थुकुदुराई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया यात्रा के दौरान थोकुदुराई के चाचा मेरिट और रोशमानी थोकुदुरई के वर्तमान जीवन के से परेशान हैं और दस बारह साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं थोकुदराई एक खुश मिजाज आदमी और चावल मिल का मालिक हुआ करता था मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए इन सात तरीकों का इन सब तरीकों का उपयोग करता है कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुकू दुरा की मुलाका मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ म, मामला दर्ज करता कराती है जब थोकुदुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है लेकिन बाद में अदयपन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा गुंडूक से लड़ने के बाद थूकुदुराई ने अपना खेत अपने चावल मिल में स्थानांतरित कर दी निरंजना को दुराई के प्रति अपना अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थकूदुराई के झगड़े में शामिल होने के होने से परेशान है जल्दी ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्म कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थोकुधुराई के लिए मना कर देती है अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थोकुधुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अवधयपन जो बदला लेने की प्रतिष्ठा कर रहा है थोकोधुराई के साथ झगड़ा करता है निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थूकोधुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है लेकिन निरंजना थोकुधुराई पर क्रूरित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है वहाँ गांव छोड़कर शहर आ जाती है फ्लैशबैक के बाद थोकूधराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल हंड्रेड मीटर किताब के लिए दावेदार है जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है तो कुदराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है तब यह पता चलता है कि प्रशिष्ट उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है क्योंकि उनकी बेटी ने नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित तो वही हासिल करते थे वह अपनी बेटी नेहा से भी वही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिल मिली धीमी है जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा उससे उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसका सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और इसने हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेहा ने आत्महत्या का प्रयास के किया लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कोशिश कर मारने की कसम खाता है उसे बचाने के बाद थुक दुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले दस दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करे इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बाद बारे में खुलासा नहीं करेगा जिससे वह अनिश्चा से सहमत हो जाती है वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाने बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है थुकुदराई तो बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से पहले तो थुकुदराई एक कार ने कार से ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थोकुदुराई ठीक हो जाता है श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थूकुदुराई से लड़ता है जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थोकुदराई श्वेता के पिता है थोकुदुराई गौतम से लड़ता है ट्रैक पर पहुँचता है और सीटी बजा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है श्वेता जीज गई उसी समय गौतम थूकू दुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है थोकूदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चे को उनकी इच्छा से अनुसार बड़ा करना होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं श्वेता को विजेता घोषित किया गया साथ ही निरंजना ने उसके नाम किसी के साथ थूकुदराई का नाम जोड़ा और थूकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए नयनतरा नयन तरा डायना मरियन कुरियन अठारह जन्म अठारह नवम्बर उन्नीस एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड हंड्रेड दो हज़ार अठारह की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह पॉइंट वन करोड़ थी उन्होंने दो दशकों से अधिक लंबे करियर में अस्सी से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप रूप में संबोधित किया जाता है नयनतरा ने साउथ में पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने श्री राम राज दो हज़ार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री राजा रानी दो हज़ार तेरह नानू राव धान दो हज़ार पंद्रह और राम दो हज़ार अठारह के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री और पुथिया नियम दो हज़ार सोलह के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता दो हज़ार इक्कीस में लेडी सुपरस्टार नयनतरा नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला स्टार विजय पर प्रसारित की गई थी मेजबानी ने नयनतरा से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिगत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में बातचीत की और उनकी प्रशंसकों को उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया नेटफ्लिक्स ने नए तरह बिया द फेयर फेयरी टेल में भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है जो अभी रिलीज नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म उद्योग में नयंतरा के काम और विग्नेश शिवम के साथ उनके संबंध पर केंद्रित है नयंतरा को तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है मार्च 2022 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नयांतरा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई नयन अपने दमदार और दमदार अदागरी के लिए जानी जाती है उन्हें आराम माया अनामिका कोलामाऊ कोकिला और नेत्रिकन जैसी महिला केंद्रीय फिल्मों में अपनी मजबूत भूमिका के साथ दक्षिण उद्योग में बदललाओं का श्रेय दिया जाता है श्री राम नियमम सईरा नरसिम्हा रेड्डी और कई अन्य फिल्मों में उनकी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है वह उन कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी दमदार फिल्मों से पूरा पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग पर कब्जा कर लिया है फोप्स इंडिया की दिव्याखर जे, जे ने कहा जो बात नए तरह के अधिकांश पुरुष सितारों से अलग करती है वह सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता है द न्यूज़ मिनट की शारदा यू ने अपनी सफलता का कारण अपनी अद्वितीय फिल्मोग्राफी व्यावसायिक और सामग्री संचालिक फिल्मों का मिश्रण को श्रेय दिया फेमिना के कयाल बीजी अरियावलन ने कहा कि नया ने महिला केंद्र फिल्मों नया आदर्श बनाई बनाई इंडियन टूडे की, की जननी के को लग, लगता है कि वह फिल्म के में किसी पुरुष कलाकार के लिए एक बिना भी भीड़ को खींचने में सक्षम है दो दस में उन्हें तमिल सिनेमा में योगदान के लिए का कल मामनी पुरस्कार मिला द इन हिंदू ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पुरस्कार महिलाओं में से एक बताया नयनतारा दो हज़ार की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी रेडी डॉट कॉम की शेर से पांच तमिल अभिनेत्रियों की सूची में वह 2013 में पांचवें स्थान पर रही और 2016 में प्रथम स्थान पर रही 2007 में की शीर्ष तेलुगु अभिनेत्रियों की सूची में उन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया दो हजार सोलह के शीर्ष पांच मलयालम अभिनेत्रियों की सूची में वह चारवें स्थान पर रही नयंतरा हॉस्टेड हॉस्टेंट तमिल अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही फेमिना ने तरह को दो हज़ार इक्कीस की अपनी फेमिना फैब चालीस सूची में शामिल किया और कहानी की वह लेडी सुपरस्टार है नयन तरह दो हज़ार पंद्रह और दो हज़ार सोलह में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी 2023 में नयनत्रा ने, ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू किया और एक मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचने वाली सबसे तेज महिला अभिनेता बनने का, के, का कैटरीन कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया नयनतारा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म मना सिंह कर दो हज़ार तीन से की उन्होंने तमिल सिनेमा में अय्या दो हज़ार पाँच से और तेलुगु सिनेमा में लक्ष्मी दो हज़ार छः से डेब्यू किया पौराणिक फिल्म श्री राम राज हज़ार ग्यारह में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी दो हजार तेरह एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिल और तमिल तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता 2015 और राजनीतिक नाटक आराम दो अपराध नाटक बुथीम पुतिया नियमम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नियंत्रण नियम ने, अनामिका 2014 माया 2015 कोलामाऊ कोकिला 2018 एरा 2019 और नेत्रिकन 2022 हज़ार सफल महिला केंद्रीय फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया निरंतर के अन्य सफल और उल्लेखनीय कामों में गजनी 2005 बिल्ला 2007 हज़ार सात यरादिनी मोहिनी 2008 बॉडीगार्ड 2010 कृष्णम वंदे जगुरुदम 2012 धानी वोरुवन 2015 हज़ार पंद्रह कासम दो हज़ार सोलह विश्वासम दो हजार विश्वासम बिगेल दो हज़ार शामिल हैं हाड्डी सभी दो हज़ार उन्नीस दरबार दो हज़ार बीस सरना दो हज़ार इक्कीस गॉड फादर दो हज़ार बाईस व पांच दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और आठ दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्त करता है नंतरा का जन्म डायना मोरिया मौर्य कुरियन के रूप में अठारह नौ उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था केरल के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कुरियन टू और ओमाना कोरियन के घर उनके बड़े भाई लेनो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं चूंकि उनके पिता भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे नयेत्र ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल्ला में उन्होंने बालिका माडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरु तिरुमलपुरम में पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मार्तमा कॉलेज तिरुवल्ला में दाखिला लिया मलयाली माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ सात अगस्त दो को उन्होंने चेन्नई के चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया सबके उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में रूपांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका स्टेज नाम नयन उनका आधिकारिक नाम बन गया वह एक पॉलीडेक्टाइल है जिसके बारे हाथ पर एक अल्प अल्पी अल्प विकसित उंगली है नैनता और निर्देशक विग्नेश सिवन दो हज़ार पंद्रह में नानू रावडी धान पर एक साथ काम करने के बाद से एक रिश्ते में हैं इस जोड़े ने 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में शादी कर ली अक्टूबर 2022 में जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से उइर और उला उलगम नाम में अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की निरंतर एक मानववादी हैं और कई सामाजिक कारणों को समर्थन देती है उन्होंने रुपए की राशि दान की दो हज़ार बारह में तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष राहत कोष में पाँच लाख रुपए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद मदद के लिए फिल्म एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन को बीस लाख रुपए का दान दिया इसके अलावा वह विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रही है वह एक भारतीय संस्कृति समर्थन भी है और उन्होंने अपने पति विग्नेश सिवन के साथ चेन्नई में दो में जल्दी दिक्टू समर्थन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था दो हजार इक्कीस में नयनतरा ने प्रसिद्ध तचा तो विशेषज्ञ डॉक्टर रेनीता राजन के साथ लिंग था होठ देखभाल कंपनी दल लिप बाम कंपनी लॉन्च की व दो नौ स्किन नाम के अपने ब्रांड के साथ इसके स्किन केयर रेज में कदम रखने वाली हैं है, इसके अलावा उन, उन्हों, उन्होंने उन्होंने तनिष्क सी फूड ब्रांड फिपोला और जीआरटी ज्वेलर्स सहित ब्रांडों और उत्पादों का प्रचार किया है दो हज़ार इक्कीस में नेत्रा और विग्नेश शिवम ने अपना फिल्म निर्माण उद्यम राउडी पिक्चर्स लॉन्च किया जिसके जिसने कुल दो हज़ार इक्कीस में बनाई है जिन्हें कई प्रशंसाएं मिली नेत्रिकन दो हज़ार इक्कीस और कातुवाकूल्ला रेड्डू कादम दो हज़ार बाईस अजीत कुमार अजीत कुमार का जन्म एक मई उन्नीस को हुआ था उनके पिता पी डर सुब्रमण्यम पलक्का केरल के मलयाली थे और उनकी मां मोहिनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सिंधी है अजीत तीन भाइयों में से मंजला बेटा था दूसरे भाई थे अनूप कुमार के एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक से उद्यमी बने अजीत ने अपनी उच्च मा, माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले दसवीं कक्षा के दौरान आसंद मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया एनफील्ड कंपनी में काम करने वाली एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से अजीत एक प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुए और मैकेनिक बनने के लिए छः महीने का प्रशिक्षण लिया बाद में उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर भूमिका छोड़ दी जो चाहते थे कि अजीत को एक सफ़ेद नौकरी मिले और प्रशिक्षु के रूप में एक अन्य पारिवारिक मित्र की कम मित्र की कपड़ा निर्मा निर्माता कंपनी में शामिल हो गए अंततः तो वह एक बिजनेस डेवलपर बनने के लिए आगे बढ़े और अपने अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करते हुए बिक्री असाइनमेंट पर नियमित रूप से पूरे देश में यात्रा की भूमिका से इस्तीफा देने के बाद अजीत ने तीन अन्य सौजेदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक कपड़ा व्यवसाय स्थापित किया बिजनेस वेंचर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिसके चलते अजीत को कपड़ा उद्योग में दूसरी नौकरी करने के लिए प्रेरित होना पड़ा इस अवधि के दौरान अजीत ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू कर दिया हर क्यू हॉलक्यूलिक्स साइकिल और मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी सी श्री उनकी विशेष रूप से खोज की गई जिन्होंने महसूस किया कि उनमें अभिनेता बनने की क्षमता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ नब्बे के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदू एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका के से की उन्होंने खुद को कादल कोट्टई दो उन्नीस सौ अरुवल्ला उन्नीस सौ और कादल मनन उन्नीस सौ अट्ठानवे से साथ एक के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलम उन्नीस सौ निन्यानवे से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया ऐसे सूर्या की वैली उन्नीस सौ में अजीत के जुड़वा भाइयों के दौर दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख्य है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया उन्होंने बिजले फिल्म विजिलैंड सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए जहाँ आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की तो अच्छे में उन्होंने वरलारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने तीन अलग अलग भूमिकाएं निभाई यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक की डम दो और बिल्ला दो में अभिनय किया दोनों अर्जी, ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अजी अर्जित की अजीत ने कन मन कथा दो हज़ार में एक खलनायक नायक की भूमिका निभाई जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली रिलीज बिल्ला टू दो तमिल सिनेमा की पहली प्रीक्वल थी अजीत जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़ों के लिए विदेश विदेश भी गए हैं उन्होंने 2003 हज़ार तीन फार्मूला एशिया बी चैंपियनशिप में गाड़ी चलाई उन्होंने 2010 हज़ार दस फार्मूला टू चैंपियनशिप में दो अन्य भारतीय अरमान इब्राहिम और पार्थिवा सुरेश्वर के साथ दौड़ लगाई है ने जगपति चौधरी जन्म बारह फरवरी उन्नीस सौ बासठ से जगपति बाबू के नाम से जाने जाते हैं एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल मलयालम हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देते हैं। दिए हैं तैतीस साल के करियर में बाबू ने एक फीचर फिल्मों में काम किया है और चार फिल्मफेयर पुरस्कार और सात राज्य नंदी पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन्होंने कोडी रामकृष्णा एस वी कृष्ण रेड्डी राम गोपाल वर्मा कृष्णा वामसी ई वी वी सत्यनारायण गोन्द शेखर चंद्रशेखर एल ए टी शिव एम रत्नम के, के के विश्वास को सही ठहराते हैं पहला पद पांच में से तीन रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है विश्वासम के पास थिएटरों थिएटर में जाने लायक कई पल है बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षण में से एक है एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है फिल्म जिसके अपने मुद्दे हैं लेकिन फिर भी यह देखने में काफी मनोरंजक है इंडियन ग्लिट्स ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा विश्वासम शिव है अजीत कॉम्बो का परिवारों को के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार सिफी ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा अजीत आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में भी है अभिनेता थकुदुराई के रूप में सुपर ऊर्जा वृंदावन देखते हैं विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है जाए और अपने परिवार के साथ आनंद लें इंडियन टूडे में पाँच में से टू पॉइंट स्टार रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक मेरू थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा कहती है द न्यूज मिनट ने पाँच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए कहा विवेकम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है द हिंदू ने कहा फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना कराना है होता है लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है शिव एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है सिनेमा एक्सप्रेस ने पांच में पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग देते हुए कहा निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना, देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है बीश्वशम को जन्म दस जनवरी दो हजार उन्नीस को रजनीकांत अभिनीतोंगल त्योहार के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था यह फिल्म पच्चीस फरवरी दो हजार उन्नीस को डिजिटल प्लेटफॉर्म एमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी सैटेलाइट राइट सन नेटवर्क को बेचे गए थे साउंड ट्रैक एल्बम डी डट इमान द्वारा रचित है जो अजीत कुमार और शिव के साथ है उनका पहला सहयोग है बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन मारजावा के लिए कापी किया गया था जिसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेद ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया और रितेश देशमुख के मुख्य भूमिका में थे मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च दो को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स की हड़ताल के कारण इसमें काफी देरी हुई यह अंत सात मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति ज्योति फिल्म निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की घोषणा नवम्बर दो में के अंत स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर ट्वीट हैडल के माध्यम से की गई थी फरवरी 2018 की शुरुआत में नयन को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया था डी मान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था बतौर अभिनेता या योगी बाबू की सौवीं फिल्म होंगी थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार नैन तरा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी श्वेता थुकुदुराई के थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्रन जगपति बाबू गौतम वीरा के रूप में थुकुदुराई के प्रतिदत्ति केशवन के रूप में विवेक थम्बीर रोशमानी के रूप में रोबोशंकर मेरिट के रूप में फिलोमी फिलोमिना के रूप में कोई सरलाम योगी बाबू वेलू वैल्यू के रूप में नेहा के रूप में सोलोनी उमेश बर्डे कले रानी पेची अम्मा के रूप में थोकुदुराई की चाची थोकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार की चाची के रूप में रजिता थोकुदुरई के चाचा के रूप में ए आर आर मनोहर थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा जंगीरी मधुमी मधुमिता थुकुदुराई की चचेरी वाहन के रूप में थुकुदुराई के दोस्त के रूप में रमेश तिलर थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण थुकुदुराई श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा और वानी गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि रौ, प्रकार आऊ के रूप में माइम गोपी को, कोजी मुथु के रूप में ओ की सुंदर थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लक्की निरंजना के सहयोगी प्रबंधन के रूप में निरंजना के सहकर्मी प्रिया के रूप में पारी पापरी घोष निरंजना के सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल निरंजना के सहयोगी के रूप में टी एम कार्तिक निरंजन के सहयोगी के रूप में शर्मिला थापा जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्र दूरई राज एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कांडा मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप के रूप में छत्रपति शेखर तुगुद्रे के दोस्त कोमी कोजी मुथु की सहायक के रूप में संपत राम एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजक एक पहलवान के रूप में र रविवानंद एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वाम सिंह तो मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म को समीक्षकों से मिक्सित समीक्षाएं मिली डी डी मान ने सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता तो थेनी में अपनी गांव कोडुवी रापट्टी के प्रतिद्वंदी प्रतिष्ठित मुखिया मुखिया और व्यवसायी है दस वर्षों के बाद गांव के अयनार मंदिर में एक वीजा होने वाला है जब थुकुदुराई को प्रतिद्वंदी कोजी मुतु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थुकुदुराई का घमन उसे और उसके गुर्गे को डराता है इसलिए थिरु वीजा योजना के अनुसार होता है हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं बहुत विचार विरमा विमर्श के बाद थुक दुराई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया यात्रा के दौरान थोको दुराई के चाचा मेरिट और रोशमानी थोकुदुराई के वर्तमान जीवन के से परेशान हैं और दस बारह साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं थोकुदराई एक खुश आदमी और चावल मिल का मालिक हुआ करता था मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए इन तरीकों का हिंसक तरीकों का उपयोग करता है कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुकूदराई की मुलाका मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ म, मामला दर्ज करता कराती है जब थकुदुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है लेकिन बाद में अवदयप्पन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा गुंडों से लड़ने के बाद थूकुदुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दी निरंजना को थूकुदुराई के प्रति अपना अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थोकुदुराई के झगड़े में शामिल होने के होने से परेशान है जल्द ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थोकुधुराई के लिए मना कर देती है अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थोकोधुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अवधयपन जो बदला लेने की प्रतिष्ठा कर रहा है थोकोधुराई के साथ झगड़ा करता है निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थूकोधुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है लेकिन निरंजना थोकोधुराई पर क्रूरित थो हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है वहाँ गांव छोड़कर शहर आ जाती है फ्लैशबैक के बाद थोकोधुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल हंड्रेड मीटर किताब के लिए दावेदार है जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है थुकुदराई तो उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है तब यह पता चलता है कि प्रशिष्ट उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है क्योंकि उनकी बेटी ने नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित तो वही हासिल करते थे वह अपनी बेटी नेहा से भी वही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिल मिली सेकेंड धीमी है जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा उससे उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसका सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और इसने हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कोशिश मारने की कसम खाता है उसे बचाने के बाद थुको दुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले दस दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का डाइवर नियुक्त करे इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बाद बारे में खुलासा नहीं करेगा जिससे वह अनिश्चा से सहमत हो जाती है वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाने बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है थुकुदराई तो बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से पहले थुकुदराई तो एक कार ने कार से ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थूकोधुराई ठीक हो जाता है श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है प्रति प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थूकुदुराई से लड़ता है जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थोकुदराई श्वेता के पिता है थोकुदुराई गौतम से लड़ता है ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है श्वेता गई उसी समय गौतम थोकू दुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है थूकु दुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चे को उनकी इच्छा से अनुसार बड़ा करना होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं श्वेता को विजेता घोषित किया गया साथ ही निरंजना ने उसके नाम किसके के साथ थूकुदराई का नाम जोड़ा और थूकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए नयनतरा नयनतरा डायनम मौरियन कुरियन अठार जन्म अठारह नवम्बर उन्नीस एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक वो फॉप्स से इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड हंड्रेड दो हज़ार अठारह की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी उन्होंने दो दशकों से अधिक लंबे करियर में अस्सी से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप रूप में संबोधित किया जाता है नयनतरा ने साउथ में पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने श्री रामराज चंद दो हज़ार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री राजा रानी दो हज़ार तेरह नानू राव धान दो हज़ार पंद्रह और राम दो हज़ार अठारह के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री और पुथिया नियम दो हज़ार सोलह के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता दो हज़ार इक्कीस में लेडी सुपरस्टार नयनतरा नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला स्टार विजय पर प्रसारित की गई थी मेजबानी ने नयनतरा से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिगत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में बातचीत की और उनकी प्रशंसकों को उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया नेटफ्लिक्स ने नए तरह बिया द फेयर फेयरी टेल में भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है जो अभी रिलीज नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म उद्योग में नयन के काम और विग्नेश शिवम के साथ उनके संबंध पर केंद्रित हैं नैन को तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है मार्च 2022 दो में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार नयनतरा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई नैन अपने दमदार और दमदार अदागारी के लिए जानी जाती है उन्हें आराम माया अनामिका कोलामाऊ कोकिला और नेत्रिकन जैसी महिला केंद्रीय फिल्मों में अपनी मजबूत भूमिका के साथ दक्षिण उद्योग में बदलोलाव का श्रेय दिया जाता है श्री राम राजा रानी पुथिया नरसिम्हा रेड्डी और कई अन्य फिल्मों में उनकी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है वह उन कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी दमदार फिल्मों से पूरा पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग पर कब्जा कर लिया है फोप्स इंडिया की दिव्या जे, जे शेखर ने कहा जो बात नए तरह के अधिकांश पुरुष सितारों से अलग करती है वह सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता है द न्यूज मिनट की शारदा यू ने अपनी सफलता का कारण अपनी अद्वितीय फिल्मोग्राफी व्यावसायिक और सामग्री संचालित फिल्मों का मिश्रण को श्रेय दिया फेमिना के कयाल बीजी अर्वलन ने कहा कि नयनतारा तरह ने महिला केंद्रीय फिल्मों नया आदर्श बनाई बनाई इंडियन टूडे की जननी के को लग, लगता है कि वह फिल्म के में किसी पुरुष कलाकार के लिए एक बिना भी भीड़ को खींचने में सक्षम है द, दस में उन्हें तमिल सिनेमा में योगदान के लिए कालई मामनी पुरस्कार मिला द इन हिंदू ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पुरस्कार महिलाओं में से एक बताया नयनतरा दो हज़ार अठारह की फोप्स इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह पॉइंट वन सेवन करोड़ थी रेडी डॉट कॉम की शेयर से पांच तमिल अभिनेत्रियों की सूची में वह 2013 में पांचवें स्थान पर रही और 2016 में प्रथम स्थान पर रही 2007 में की शीर्ष तेलुगु अभिनेत्रियों की सूची में उन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया दो हज़ार सोलह के शीर्ष पांच मलयालम अभिनेत्रियों की सूची में वह चारवें स्थान पर रही नयंतरा हॉस्टेड हॉस्टेंट तमिल अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही फेमिना ने नयन तरा को दो की अपनी फेमिना फैब चालीस सूची में शामिल किया और कहानी की वह लेडी सुपरस्टार है नयनतरा दो और दो में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी 2023 में नयनत्रा ने, ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू किया और एक मिलियन फॉलोअर्स तक, तक पहुँचने वाली सबसे तेज महिला अभिनेता बनने का, के, का कैटरीन कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया नयनतारा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म मना सिंह कर दो से की उन्होंने तमिल सिनेमा में अय्या 2005 से और तेलुगु सिनेमा में लक्ष्मी 2006 से डेब्यू किया पौराणिक फिल्म श्री राम राजम दो में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी दो एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिल और तमिल तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता दो और राजनीतिक नाटक आराम 2017 अपराध नाटक पुथिय पुतिया नियमम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नयनतरा नियम ने, अनामिका 2014 माया 2015 हज़ार कोलामाऊ कोकिला 2018 एरा 2019 और नेत्रिकन 2022 हजार सफल महिला केंद्रीय फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया निरतर के अन्य सफल और उल्लेखनीय कामों में गजनी 2005, बिल्ला 2007, हजार सात मोहिनी 2008, हज़ार आठ बॉडीगार्ड दो हजार दस कृष्णम वंदे जगुरुदम दो हज़ार बारह धानी वोरुव दो हज़ार पंद्रह काशम दो हज़ार सोलह विश्वासम दो हजार विश्वासम बिगेल दो हजार शामिल हैं रेड्डी दो हजार बीस दो हज़ार इक्कीस गॉड फादर दो हज़ार बाईस व पांच दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और आठ दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्त करता है ना का जन्म डायना मौर्य मौर्य कुरियन के रूप में अठारह नवंबर दो उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था केरल के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कुरियन कोडिया और ओमाना कोरियन के घर उनके बड़े भाई लेन लेनो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं चूंकि उनके पिता भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे नयेत्र ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल्ला में उन्होंने बालिका माडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरु तिरुमलपुरम में पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मार्तमा कॉलेज तिरुवल्ला में दाखिला लिया मलयाली माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ सात अगस्त दो को उन्होंने चेन्नई के चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया सबके उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में रूपांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका स्टेज नाम उनका आधिकारिक नाम बन गया वह एक पॉलिडेक्टाइल है जिसके हाथ पर एक अल्प, अल्प अल्पी अल्प विकसित उंगली है नैन और निर्देशक विग्नेश सिवन दो में नानू राउडी धान पर एक साथ काम करने के बाद से एक रिश्ते में हैं इस जोड़े ने 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में शादी कर ली अक्टूबर 2022 में जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से उइर और उल उलगम नाम में अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की एक मानववादी हैं और कई सामाजिक कारणों को समर्थन देती है उन्होंने रुपए की राशि दान की बारह में तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष राहत कोष में पाँच लाख रुपए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद मदद के लिए फिल्म एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन को बीस लाख रुपए का दान दिया इसके अलावा वह विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रही है वह एक भारतीय संस्कृति समर्थन भी है और उन्होंने अपने पति विग्नेश सिवन के साथ चेन्नई में 2017 में जल्दी कट्टू समर्थन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था दो हजार इक्कीस में नयनतरा ने प्रसिद्ध तचार तो विशेषज्ञ डॉक्टर रेनीता राजन के साथ लिंग था होट देखभाल कंपनी दल लिप बाम कंपनी लॉन्च की व दो नौ स्किन नाम के अपने ब्रांड के साथ इसके स्किन केयर रेज में कदम रखने वाली हैं है, इसके अलावा उन, उन्हों, उन्होंने उन्होंने तनिष्क सी फूड ब्रांड फिपोला और जीआरटी ज्वेलर्स सहित ब्रांडों और उत्पादों का प्रचार किया है दो हज़ार इक्कीस में नैन और विग्नेश शिवम ने अपना फिल्म निर्माण उद्यम राउडी पिक्चर्स लॉन्च किया जि जिसके जिसने कू जंगल दो हज़ार इक्कीस बनाई है, जिन्हें कई प्रशंसाएं मिली नेत्रिकन दो हज़ार इक्कीस और कातुआकूल्ला रेडू कादम दो हज़ार बाईस अजीत कुमार अजीत कुमार का जन्म 1 मई उन्नीस को हुआ था उनके पिता पी डर सुब्रमण्यम पलक्का केरल के मलयाली थे और उनकी मां मोहिनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सिंधी है अजीत तीन भाइयों में से मंजला बेटा था दूसरे भाई थे अनूप कुमार के एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक से उद्यमी बने अजीत ने अपनी उच्च मा, माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले दसवीं कक्षा के दौरान आसंद मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया एनफील्ड कंपनी में काम करने वाली एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से अजीत एक प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुए और मैकेनिक बनने के लिए छः महीने का प्रशिक्षण लिया बाद में उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर भूमिका छोड़ दी जो चाहते थे कि अजीत को एक सफ़ेद नौकरी मिले और प्रशिक्षु के रूप में एक अन्य पारिवारिक मित्र की कम मित्र की कपड़ा निर्माता कंपनी में शामिल हो गए वह तो एक बिजनेस डेवलपर बनने के लिए आगे बढ़े और अपने अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करते हुए बिक्री असाइनमेंट पर नियमित रूप से पूरे देश में यात्रा की भूमिका से इस्तीफा देने के बाद अजीत ने तीन अन्य सौजेदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक कपड़ा व्यवसाय स्थापित किया बिजनेस वेंचर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिसके चलते अजीत को कपड़ा उद्योग में दूसरी नौकरी करने के लिए प्रेरित होना पड़ा इस अवधि के दौरान अजीत ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू कर दिया हरक्यू हॉलक्यूलिक्स साइकिल और मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी सी रामधारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई जिन्होंने महसूस किया कि उनमें अभिनेता बनने की क्षमता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ नब्बे के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदू एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका के से की उन्होंने खुद को कादल कोट्टई दो उन्नीस सौ अवल अरुवल्ला उन्नीस सौ अंठानवे और कादल मनन उन्नीस सौ अट्ठानबे से साथ एक के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलाम उन्नीस से शुरुआत करके खुद को एक, एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया ऐसे सूर्या की वैल्यू उन्नीस में अजीत के जुड़वा भाइयों के दौर दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख्य है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया उन्होंने बिजले विजीलैंड फिल्म सिटी सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए जहाँ आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की तो हज़ार में उन्होंने वरलारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने तीन अलग अलग भूमिकाएं निभाई यह दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर फिल्म पुरस्कार मिला अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक की डम दो और बिल्ला दो में अभिनय किया दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अजी अर्जित की अजीत ने कत, कौन मन कथा दो हज़ार ग्यारह में एक बारो को के लिए भावनात्मक ने पांच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा अजीत आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में भी है अभिनेता दुराई के रूप में सुपर दिखते हैं विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है जाए और अपने परिवार के साथ आनंद लें इंडियन टूडे पांच में से टू स्टार रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त थ्रिलर विवेकम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक मेरू थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली प्रभाव है हमारी समीक्षा कहती है द न्यूज़ मिनट ने पाँच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए कहा विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है द हिंदू ने कहा फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना कराना है होता है लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है सिनेमा एक्सप्रेस ने पांच फाइव स्टार रेटिंग देते हुए कहा निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना, देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है विश्वासम को जन्म दस जनवरी दो हज़ार उन्नीस को रजनीकांत अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था यह फिल्म 25 फरवरी 2019 उन्नीस को डिजिटल प्लेटफॉर्म एमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी सैटेलाइट राइट्स ऑन नेटवर्क को बेचे गए थे साउंड ट्रैक एल्बम डी डट मान द्वारा रचित है जो अजीत कुमार और शिव के साथ है उनका पहला सहयोग है बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन मारजावा के लिए कापी किया गया था जिसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया और रितेश देशमुख के मुख्य भूमिका में थे मुख्य फोटोग्राफी तेईस मार्च दो हज़ार अठारह को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई यह अंतर सात मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर दो हज़ार अठारह में समाप्त हुआ और पोंगल दो हज़ार उन्नीस के लिए जारी किया गया था अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स फिल्म निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की घोषणा नवंबर 2017 में के अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर ट्वीट हैडल के माध्यम से की गई थी फरवरी 2018 की शुरुआत में नयन तरा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया था डी डी मान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था बतौर अभिनेता योगी बाबू की सौवीं फिल्म होंगी थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार नैन निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी श्वेता थुकुदुराई के थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्रन जगपति बाबू गौतम वीरा के रूप में थुकुदुराई के प्रतिदत्ति केशवन के रूप में विवेक थम्बीर मैया रोशमानी के रूप में रोबोशंकर मेरिट के रूप में फिलोमी फिलोमिना के रूप में कोई शर्म योगी बाबू वेलू वैल्यू के रूप में नेहा के रूप में सोलोनी उमेश बडेन रानी पेची अम्मा के रूप में थोकुदुराई की चाची थोकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार की चाची के रूप में रजिता थोकुदुरई के चाचा के रूप में ए आर आर मनोहर थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा जंगीरी मधुमी मधुमिता टुकुदुराई के चचेरी वाहन के रूप में थुकुदुराई के दोस्त के रूप में रमेश तिलर थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण थुकुदुराई श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वानी गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकार आऊ के रूप में माइम गोपी को, कोजी मुथ के रूप में ओ के सुंदर थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लक्की निरंजना के सहयोगी प्रबंधन के रूप में निरंजना के सहकर्मी प्रिया के रूप में पारी पापरी घोष निरंजना के सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल निरंजना के सहयोगी के रूप में टी एम कार्तिक निरंजन के सहयोगी के रूप में शर्मिला थापा जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरई राज एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कांडा मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप के रूप में छत्रपति शेखर तुगुद्रे के दोस्त कोमी, कोजी मुथु की सहायक के रूप में संपत राम एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजक एक पहलवान के रूप में रवि वानान एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेंपर वामसी तो कुदरई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म को समीक्षकों से मिक्सित समीक्षाएं मिली डी डी मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता तो थेनी अपनी गाँव कोडु रापट्टी के प्रतिद्वंदी प्रतिष्ठित और व्यवसायी है दस वर्षों के बाद गांव के अयनार मंदिर में एक वीजा होने वाला है जब थूकुदराई को प्रतिद्वंदी कोजीमुतु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थूकुदुराई का घमंड उसे और उसके गोरगे को डराता है इसलिए थिरुवीजा योजना के अनुसार होता है हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं बहुत विचार विरमा विमर्श के बाद थको ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया यात्रा के दौरान थोकु के चाचा मेरिट और रोशमानी थोकु के वर्तमान जीवन के से परेशान हैं और दस बारह साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं थुकुदुराएँ खुश मिजाज आदमी और चावल मिल का मालिक हुआ करता था मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए इंसाफ तरीकों का इंसाफ तरीकों का उपयोग करता है कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुकुदुराएं की मुलाका मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ म, मामला दर्ज करता कराती है जब थुकुदराई निरंजन को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है लेकिन बाद में अवदयन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा को से लड़ने के बाद थूकुदुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दी निरंजना को थूकुदुराई के प्रति अपना अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थकुदुराई के झगड़े में शामिल होने के होने से परेशान है जल्दी ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्म कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थकुदुराई के लिए मना कर देती है अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थोकुधुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अवदयप्पन जो बदला लेने की प्रतिष्ठा कर रहा है थूकुदुराई के साथ झगड़ा करता है निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थूकुदुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है लेकिन निरंजना थकोधुराई पर क्रूरित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है वहाँ गांव छोड़कर शहर आ जाती है फ्लैशबैक के बाद थोकोधुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल हंड्रेड मीटर किताब के लिए दावेदार है जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है चुकुदरा तो उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है तब यह पता चलता है कि प्रशिष्ट उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है क्योंकि उनकी बेटी ने नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित तो वही हासिल करते थे वह अपनी बेटी नेहा से भी वही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिल मिली से धीमी है जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा उससे उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसका सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और इसने हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेहा ने आत्महत्या का प्रयास के किया लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कोशिश कर मारने की कसम खाता है उसे बचाने के बाद थुक दुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले दस दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का डाइवर नियुक्त करे इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बाद बारे में खुलासा नहीं करेगा जिससे वह अनिश्चा से सहमत हो जाती है वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाने बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है थुकुदराई तो बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है दुर्भाग्य से स्वेता की प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से पहले थुकुदराई तो एक कार ने कार से ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थोकुधुराई ठीक हो जाता है श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है प्रति प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थोकुदुराई से लड़ता है जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थूकुदराई श्वेता के पिता है थोकुदुराई गौतम से लड़ता है ट्रैक पर पहुँचता है और सीटी बजा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है श्वेता जीज गई उसी समय गौतम थुकुदुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है थुकुदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चे को उनकी इच्छा से अनुसार बड़ा करना होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं श्वेता को विजेता घोषित किया गया साथ ही निरंजना ने उसके नाम किसी के साथ थूकु दराई का नाम जोड़ा और थूकु दुराई के साथ फिर से जुड़ गए नयनतरा नयनतरा डायनम मरियन कुरियन अठारह जन्म अठारह नवंबर उन्नीस सौ चौरासी एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड हंड्रेड दो हज़ार अठारह की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह पॉइंट वन सेवन करोड़ थी उन्होंने दो दशकों से अधिक लंबे करियर में अस्सी से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया जाता है नयनतारा ने साउथ में पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने श्री राम राज्यम दो हज़ार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री राजा रानी दो हज़ार तेरह नानू रावडी धान दो हज़ार पंद्रह और राम दो हज़ार अठारह के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री और पुथिया नियम दो हज़ार सोलह के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता दो हज़ार इक्कीस में लेडी सुपरस्टार नयनतारा नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला स्टार विजय पर प्रसारित की गई थी मेजबानी ने नयनतरा से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिगत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में बातचीत की और उनकी प्रशंसकों को उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया नेटफ्लिक्स ने नए तरह बिया द फेयर फेयरी टेल में भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है जो अभी रिलीज नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म उद्योग में नयंतरा के काम और विग्नेश शिवम के साथ, साथ उनके संबंध पर केंद्रित है नयंतरा को तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है मार्च 2022 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार नयन सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई नयन अपने दमदार और दमदार अदागारी के लिए जानी जाती है उन्हें अराम माया अनामिका कोलामाऊ कोकिला और नेत्रिकन जैसी महिला केंद्रीय फिल्मों में अपनी मजबूत भूमिका के साथ दक्षिण उद्योग में बदलोलाव का श्रेय दिया जाता है श्री राम राज्य राजा रानी पुथियाम नियमम नरसिम्हा रेड्डी और कई अन्य फिल्मों में उनकी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है वह उन कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी दमदार फिल्मों से पूरा पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग पर कब्जा कर लिया है इंडिया की दिव्या जे, जे शेखर ने कहा जो बात नए तरह के अधिकांश पुरुष सितारों से अलग करती है वह सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता है द न्यूज मिनट की शारदा यू ने अपनी सफलता का कारण अपनी अद्वितीय फिल्मोग्राफी व्यावसायिक और सामग्री संचालक फिल्मों का मिश्रण को श्रेय दिया फेमिना के कयाल बीजी अर्यवलन ने कहा कि नये ने महिला केंद्रीय फिल्मों नया आदर्श बनाई बनाई इंडियन टूडे की जननी के को लग, लगता है कि वह फिल्म के में किसी पुरुष कलाकार के लिए एक बिना भी भीड़ को खींचने में सक्षम है द, दस में उन्हें तमिल सिनेमा में योगदान के लिए का मामनी पुरस्कार मिला द इन हिंदू ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पुरस्कार महिलाओं में से एक बताया 2018 दो हज़ार इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी रेडियो डॉट कॉम की शेर से पांच तमिल अभिनेत्रियों की सूची में वह 2013 में पांचवें स्थान पर रही और 2016 में प्रथम स्थान पर रही 2007 में की शीर्ष तेलुगु अभिनेत्रियों की सूची में उन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया दो हजार सोलह के शीर्ष पांच मलयालम अभिनेत्रियों की सूची में वह चारवें स्थान पर रही नयनतरा हॉस्टेड हॉस्टेंट तमिल अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही फेमिना ने तरह को 2021 की अपनी फेमिना फैब 40 सूची में शामिल किया और कहानी की वह लेडी सुपरस्टार है नयनतरा दो और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी और दो हज़ार सोलह में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी दो हज़ार तेईस में नयंत्र ने, ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू किया और एक मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाली सबसे तेज महिला अभिनेता बनने का, का कैटरीन कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया नैन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म मना सिंह कर दो से की उन्होंने तमिल सिनेमा में अय्या 2005 से और तेलुगु सिनेमा में लक्ष्मी 2006 से डेब्यू किया पौराणिक फिल्म श्री राम 2011 में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी दो एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिल और तमिल तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता दो हज़ार पंद्रह और राजनीतिक नाटक आरामम दो हज़ार सत्रह अपराध पुथी, नाटक पुथीम पुथिया नियमम दो हज़ार सोलह में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नयनतारा नियम नें। अनामिका दो हज़ार चौदह माया दो हज़ार पंद्रह कोलामाऊ कोकिला दो हज़ार अठारह एरा दो हज़ार उन्नीस और नेत्रिकन दो हज़ार बाईस सही सफल महिला केंद्रीय फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया निरंत्र के अन्य सफल और उल्लेखनीय कामों में ग गजनी 2005 बिल्ला 2007 हज़ार सात यरादिनी मोहिनी 2008 हज़ार आठ बॉडीगार्ड दो हज़ार दस कृष्णम वंदे जगुरुदम दो हज़ार बारह धानी पद्र काशमर्या द सोह्र विश्वासम दोहार विश्वासम बिगे दोहार शामल है साई राज नरसिमा रेड्डी सबिम दोहार उनीस दरबार दोहार बिस अन्ना दोहार एक्स कान्ड फादर गॉड़ फादर दो हज़ार बाईस व पाँच दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और आठ दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्त करता है निरंतर का जन्म डायना मोरिया मरियम कुरियन के रूप में अठारह नवंबर दो उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था केरल के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कुरियन टू और ओमाना कोरियन के घर उनके बड़े भाई लेनो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं चूंकि उनके पिता भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे नयेत्र ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल्ला में उन्होंने बालिका माडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरु तिरुमलपुरम में पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मारतोमा कॉलेज तिरुवल्ला में दाखिला लिया मलयाली माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ सात अगस्त दो को उन्होंने चेन्नई के चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया सबके उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में रूपांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका स्टेज नाम नैंतरा उनका आधिकारिक नाम बन गया वह एक पॉलीडेक्टाइल है जिसके बाएं हाथ पर एक अल्प अल्प अल्पी, अल्प विकसित उंगली है नैंतरा और निर्देशक विग्नेश सिवन दो में नानू राउडी धान पर एक साथ काम करने के बाद से एक रिश्ते में हैं इस जोड़े ने 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में शादी कर ली अक्टूबर 2022 में जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से उल उलगम नाम में अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की नैनता एक मानवी हैं और कई सामाजिक कारणों को समर्थन देती है उन्होंने रुपए की राशि दान की दो हज़ार बारह में तमिलनाडु तो में चक्रवाती तूफान हटाने के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष राहत कोष में पाँच लाख रुपए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद मदद के लिए फिल्म एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन को बीस लाख रुपए का दान दिया इसके अलावा वह विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रही है वह एक भारतीय संस्कृति समर्थन भी है और उन्होंने अपने पति विग्नेश सिवन के साथ चेन्नई में दो में जल्दी कट्टू समर्थन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था दो हजार इक्कीस में नयन ने प्रसिद्ध तत्वाचार तो विशेषज्ञ डॉक्टर रेनीता राजन के साथ लिंग था होठ देखभाल कंपनी दल लिप बाम कंपनी लॉन्च की व दो नौ स्किन नाम के अपने ब्रांड के साथ स्किन केयर रेज में कदम रखने वाली हैं है, इसके अलावा उन, उन्होंने उन्होंने तनिष्क सी फूड ब्रांड फिपोला और जीआरटी ज्वेलर्स सहित ब्रांडों और उत्पादों का प्रचार किया है दो हज़ार इक्कीस में नैंत्रा और विग्नेश शिवम ने अपना फिल्म निर्माण उद्यम राउडी पिक्चर्स लॉन्च किया जिसके जिसने कुल दो हज़ार इक्कीस फिल्म में बनाई है जिन्हें कई प्रशंसाएं मिली नेत्रिकन दो हज़ार इक्कीस और कातुवाकूल्ला रेड्डू कादम दो हज़ार बाईस अजीत कुमार अजीत कुमार का जन्म एक मई उन्नीस को हुआ था उनके पिता पी डर सुब्रमण्यम पलक्का केरल के मलयाली थे और उनकी मां मोहिनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सिंधी है अजीत तीन भाइयों में से मंजला बेटा था दूसरे भाई थे अनूप कुमार के एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक से उद्यमी बने अजीत ने अपनी उच्च माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले दसवीं कक्षा के दौरान आसन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया एनफील्ड कंपनी में काम करने वाली एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से अजीत एक प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुए और मैकेनिक बनने के लिए छ महीने का प्रशिक्षण लिया बाद में उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर भूमिका छोड़ दी जो चाहते थे कि अजीत को एक सफेद नौकरी मिले और प्रशिक्षु के तो रूप में एक अन्य पारिवारिक मित्र की कम मित्र की कपड़ा निर्मा, निर्माता कंपनी में शामिल हो गए अंततः तो वह एक बिजनेस डेवलपर बनने के लिए आगे बढ़े और अपने अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करते हुए बिक्री असाइनमेंट पर नियमित रूप से पूरे देश में यात्रा की भूमिका से इस्तीफा देने के बाद अजीत ने तीन अन्य सौजेदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक कपड़ा व्यवसाय स्थापित किया बिजनेस वेंचर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिसके चलते अजीत को कपड़ा उद्योग में दूसरी नौकरी करने के लिए प्रेरित होना पड़ा इस अवधि के दौरान अजीत ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दिया हर क्यू साइकिल और मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी श्री रामधारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई जिन्होंने महसूस किया कि उनमें अभिनेता बनने की क्षमता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ नब्बे के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदू एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका के से की उन्होंने खुद को कादल कोट्टई दो उन्नीस सौ छियानवे अव्वल अरुवल्ला उन्नीस सौ अंठानवे और, और कादल मनन उन्नीस सौ अंठानबे से, से सात ए के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमरकलाम उन्नीस सौ निन्यानवे से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो एक के रूप में स्थापित किया एस सूर्या की उन्नीस सौ में अजीत के जुड़वा भाइयों के दोहरे दौर, चित्रण जहां एक बहरा मुख है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया उन्होंने बिजले विजिलैंड फिल्म सिटी सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की तो में उन्होंने में अभिनय किया जिसमें उन्होंने तीन अलग अलग भूमिकाएं निभाई यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक की रिडम दो और बिल्ला दो में अभिनय किया दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की अजीत ने कथा दो हजार में एक खलनायक नायक की भूमिका निभाई जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली रिलीज बिल्ला टू दो तमिल सिनेमा की पहली प्रीक्वल थी अजीत जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़ों के लिए विदेश विदेश भी गए हैं उन्होंने 2003 हज़ार तीन फार्मूला एशिया बी एम डब्ल्यू चैम्पियनशिप में गाड़ी चलाई उन्होंने 2010 हज़ार दस फार्मूला टू चैम्पियनशिप में दो अन्य भारतीय अरमान इब्राहिम और पार्थिवा सुरेश्वर के साथ दौड़ लगाई है बीरामचनैनी जगपति चौधरी जन्म बारह फरवरी उन्नीस सौ बासठ पे स्वरूप से जगपति बाबू के नाम से जाने जाते हैं एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने का काम के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल मलयालम हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देते दे, दे दिए हैं तैतीस साल के करियर में बाबू ने एक फीचर फिल्मों में काम किया है और चार फिल्मफेयर पुरस्कार और सात राज्य नंदी पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन्होंने कोडी रामकृष्णा एस वी रेड्डी राम गोपाल वर्मा कृष्णा वामसी ई वी वी सत्यनारायण गोन्दशेखर चंद्रशेखर एल ए टी शिव एम रत्नम केडर राघवेंद्र राव राधामोहन मोहन राजा जे डी चक्रवर्ती बोयापति जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम किया है विक्रम श्रीनिवास वैशाख और शिव कुमार जगपति बाबू का जन्म बारह फरवरी उन्नीस सौ बासठ को मछलीपट्टम में अनुभवी निर्माता निर्देशक बी बी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था तेलुगु सिनेमा में पहचान बनाने से पहले उनका पालन पोषण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था खासूसित थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक मेरू थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्से में प्रभावी प्रभावशाली है हमारी समीक्षा कहती है द न्यूज़ मिनट ने पाँच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए कहा विवेकम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है द हिंदू ने कहा फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना कराना है होता है लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यवसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है शिव एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है सिनेमा एक्सप्रेस ने पांच टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग देते हुए कहा निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है विश्वासम को जन्म दस जनवरी दो हज़ार उन्नीस को रजनीकांत अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था यह फिल्म पच्चीस फरवरी दो हज़ार उन्नीस को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी सैटेलाइट राइट्स ऑन नेटवर्क को बेचे गए थे साउंड ट्रैक एल्बम डी डट इमान द्वारा रचित है जो अजीत कुमार और शिव के साथ है उनका पहला सहयोग है बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन जावाल के लिए कॉपी किया गया था जिसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया और रितेश देशमुख के मुख्य भूमिका में थे मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च दो को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई यह अंत सात मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर दो में समाप्त हुआ और पोंगल दो के लिए जारी किया गया था अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की घोषणा नवंबर 2017 में के अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर ट्वीट हैडल के माध्यम से की गई थी फरवरी 2018 की शुरुआत में नयन तरा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया था डी डी मान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था बतौर अभिनेता या योगी बाबू की सौवीं फिल्म होंगी थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार ने तरा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी श्वेता थुकुदुराई के थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्रन जगपति बाबू गौतम वीरा के रूप में थुकुदुराई के प्रतिदत्ति केशवन के रूप में विवेक थम्बीर रोशमानी के रूप में शंकर मेरिट के रूप में फिलोमी फिलोमिना के रूप में कोई सरला योगी बाबू वेलू वैल्यू के रूप में नेहा के रूप में सोलोनी उमेश बड्डी कले रानी पेची अम्मा के रूप में थुकुदुराई की चाची थोकुदुरई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार की चाची के रूप में रजिता थुकुदुरै के चाचा के रूप में एआरआर मनोहर थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा जंगीरी मदुमी, मा, मदुमी तुकुदुराई की चचेरी वाहन के रूप में के के दोस्त के रूप में रमेश तिलर के मित्र के रूप में नमो नारायण टुकुदराई श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वानी गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकार आऊ के रूप में माइम गोपी को कोजी मुथ के रूप में ओ कि सुंदर के प्रतिद्वंदी नारायण लक्की निरंजना के सहयोगी प्रबंधन के रूप में निरंजना के सहकर्मी प्रिया के रूप में पारी पापरी घोष निरंजना के सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल निरंजना के सहयोगी के रूप में टी एम कार्तिक निरंजना के सहयोगी के रूप में शर्मिला थापा जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में एक पुलिस कांस्टेबल के, के रूप में रामचंद्रन दुरई राज एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कांडा मैथ्यू वर्गिस एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप के रूप में छत्रपति शेखर तुगुद्रे के दोस्त कोमी कोजी मुथु की सहायक के रूप में संपत राम एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजक एक पहलवान के रूप में रवि वानान, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वाम सिंह मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ यह फिल्म दस जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म को समीक्षकों से विकसित समीक्षाएं मिली डी डा डी मान ने सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता तो गुदराइन थेनी में अपनी गांव कोडुवी रापट्टी के प्रतिद्ध प्रतिष्ठित मुखिया मुखिया और व्यवसायी है दस वर्षों के बाद गांव के अयन्नार मंदिर में एक वीजा होने वाला है जब थूकुदुराई को प्रतिद्वंदी कोजी मुतु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थूकुदुराई का घमन उसे और उसके गोरघे को डराता है इसलिए वीजा योजना के अनुसार होता है हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं बहुत विचार विरमा विमर्श के बाद थुकुदुराई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया यात्रा के दौरान थुकुदुराई के चाचा मेरिट और रोशमानी थुकुदुराई के वर्तमान जीवन के से परेशान हैं और दस बारह साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं थोकुदराई एक खुश आदमी और चावल मिल का मालिक हुआ करता था मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए इन तरीकों का हिंसक तरीकों का उपयोग करता है कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुकुदुराई की मुलाका मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ़ मामला दर्ज करता कराती है जब थुकुदुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है लेकिन बाद में अवदयपन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे उस से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा को से लड़ने के बाद थूकुदुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दी निरंजना को थूकुदुराई के प्रति अपना अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थकूदुराई के झगड़े में शामिल होने के होने से परेशान है जल्दी ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्म कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थोकुधुराई के लिए मना कर देती है अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थोकुधुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अवधयपन जो बदला लेने की प्रतिष्ठा कर रहा है थोकुदराई के साथ झगड़ा करता है निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थूकुदुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है लेकिन निरंजना थोकुधुराई पर क्रूरित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है वहाँ गांव छोड़कर शहर आ जाती है फ्लैशबैक के बाद थोकूधराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल हंड्रेड मीटर किताब के लिए दावेदार है जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है तो कुदराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है तब यह पता चलता है कि प्रशिष्ट उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है क्योंकि उनकी बेटी ने नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित तो वही हासिल करते थे वह अपनी बेटी नेहा से भी वही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिल मिस धीमी है जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा उससे उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसका सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और इसने हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेहा ने आत्महत्या का प्रयास के किया लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कोशिश कर मारने की कसम खाता है उसे बचाने के बाद थुको दुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले दस दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का डाइवर नियुक्त करे इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बाद बारे में खुलासा नहीं करेगा जिससे वह अनिश्चा से सहमत हो जाती है वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाने बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है थुकुदराई तो बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से पहले थुकुदराई तो एक कार ने कार से ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थोकुदुराई ठीक हो जाता है श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थूकुदुराई से लड़ता है जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थोकुदराई श्वेता के पिता है थोकुदुराई गौतम से लड़ता है ट्रैक पर पहुँचता है और सीटी बजा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है श्वेता गई उसी समय गौतम थूकु पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है थोकूदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चे को उनकी इच्छा से अनुसार बड़ा करना होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं श्वेता को विजेता घोषित किया गया साथ ही निरंजना ने उसके नाम किसी के साथ थूकुदराई का नाम जोड़ा और थूकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए नयनतरा नयनतरा डायना मरियन कुरियन अठारह जन्म अठारह नवम्बर उन्नीस एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक फोर्ब्स से इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड हंड्रेड दो हज़ार अठारह की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी उन्होंने दो दशकों से अधिक लंबे करियर में अस्सी से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप रूप में संबोधित किया जाता है नयनतारा ने साउथ में पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने श्री राम राज दो हज़ार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री राजा रानी दो हज़ार तेरह नानू राव धान दो हज़ार पंद्रह और राम दो हज़ार अठारह के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री और पुथिया नियम दो हज़ार सोलह के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता दो हज़ार इक्कीस में लेडी सुपरस्टार नयनतारा नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला स्टार विजय पर प्रसारित की गई थी मेजबानी ने नयनतरा से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिगत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में बातचीत की और उनकी प्रशंसकों को उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया नेटफ्लिक्स ने नए तरह बिया द टेल में भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है जो अभी रिलीज नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म उद्योग में नयनतारा के काम और विग्नेश शिवम के साथ साथ उनके संबंध पर केंद्रित है नयनतारा को तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है मार्च 2022 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार नयंतरह सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई नयन अपने दमदार और दमदार अदागरी के लिए जानी जाती है उन्हें अराम माया अनामिका कोलामाऊ कोकिला और नेत्रिकन जैसी महिला केंद्रीय फिल्मों में अपनी मजबूत भूमिका के साथ दक्षिण उद्योग में बदललाओं का श्रेय दिया जाता है श्री राम नियमम सईरा नरसिम्हा रेड्डी और कई अन्य फिल्मों में उनकी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है वह उन कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी दमदार फिल्मों से पूरा पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग पर कब्जा कर लिया है होप्स इंडिया की दिव्या जे, जे शेखर ने कहा जो बात नए तरह के एक अधिकांश पुरुष सितारों से अलग करती है वह सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता है द न्यूज मिनट की शारदा यू ने अपनी सफलता का कारण अपनी अद्वितीय फिल्मोग्राफी व्यावसायिक और सामग्री संचालक फिल्मों का मिश्रण को श्रेय दिया फेमिना के कयाल बीजी अरवलन ने कहा कि नए ने महिला केंद्र फिल्मों नया आदर्श बनाई बनाई इंडियन टुडे की, की जननी के को लगता है कि वह फिल्म के में किसी पुरुष कलाकार के लिए एक बिना भी भीड़ को खींचने में सक्षम है दो दस में उन्हें तमिल सिनेमा में योगदान के लिए का कल मामनी पुरस्कार मिला द इन हिंदू ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पुरस्कार महिलाओं में से एक बताया नयनतारा दो की अठारह इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी रेडी डॉट कॉम की शेर से पांच तमिल अभिनेत्रियों की सूची में वह 2013 में पांचवें स्थान पर रही और 2016 में प्रथम स्थान पर रही 2007 में की शीर्ष तेलुगु अभिनेत्रियों की सूची में उन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया दो हजार सोलह के शीर्ष पांच मलयालम अभिनेत्रियों की सूची में वह चारवें स्थान पर रही नयंतरा हॉस्टेड हॉस्टेंट तमिल अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही फेमिना ने नयन तरा को दो हज़ार इक्कीस की अपनी फेमिना फैब चालीस सूची में शामिल किया और कहानी की वह लेडी सुपरस्टार है नयन तरा दो हज़ार पंद्रह और दो हज़ार सोलह में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनिया महिला बनी और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी 2023 में नयंत्र ने, ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू किया और एक मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचने वाली सबसे तेज महिला अभिनेता बनने का, के, का कैटरीन कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया नयनतारा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म मना सिंह कर दो हज़ार तीन से की उन्होंने तमिल सिनेमा में अय्या दो हज़ार पाँच से और तेलुगु सिनेमा में लक्ष्मी दो हज़ार छः से डेब्यू किया पौराणिक फिल्म श्री राम राजम दो हज़ार ग्यारह में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी दो हजार तेरह एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिल और तमिल तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता 2015 और राजनीतिक नाटक आराम दो अपराध नाटक बुथी पुतिया नियमम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नियंत्रण नियम ने, अनामिका 2014 माया 2015 हज़ार कोलामाऊ कोकिला 2018 एरा 2019 और नेत्रिकन 2022 हज़ार बाईस सफल महिला केंद्रीय फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया निरंतर के अन्य सफल और उल्लेखनीय कामों में गजनी 2005 बिल्ला 2007 हज़ार यरादिनी मोहिनी 2008 बॉडीगार्ड 2010 कृष्णम वंदे जगुरुदम 2012 धानी वोरुवन 2015 हज़ार पंद्रह विश्वासम दो विश्वासम बिगेल दो शामिल हैं शाही सबीम दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार बीस सन्नाटे दो हज़ार इक्कीस गॉड फादर दो हज़ार बाईस व पाँच दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और आठ दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्त करता है ना का जन्म डायना मोरिया मौरियम कुरियन के रूप में अठारह उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था केरल के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कोरियन कोरियाटू और ओमाना कोरियन के घर उनके बड़े भाई लेन लेनो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं चूंकि उनके पिता भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे नयनतर ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल्ला में उन्होंने बालिका माडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरु तिरुमलपुरम में पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मार्तमा कॉलेज तिरुवल्ला में दाखिला लिया मलयाली माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ सात अगस्त दो को उन्होंने चेन्नई के चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया सबके उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में रूपांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका स्टेज नाम नयन उनका आधिकारिक नाम बन गया वह एक पॉलीडेक्टाइल है जिसके बाएं हाथ पर एक अल्प अल्पी विकसित उंगली है नैनतरा और निर्देशक विग्नेश सिवन दो में नानू रावडी धान पर एक साथ काम करने के बाद से एक रिश्ते में हैं इस जोड़े ने 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में शादी कर ली अक्टूबर 2022 में जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से उइर और उलगम नाम में अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की नरंतरह के मानववादी हैं और कई सामाजिक कारणों को समर्थन देती है उन्होंने रुपए की राशि दान की दो हज़ार बारह में तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष राहत कोष में पाँच लाख रुपए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद मदद के लिए फिल्म एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन को बीस लाख रुपए का दान दिया इसके अलावा वह विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रही है वह एक भारतीय संस्कृति समर्थन भी है और उन्होंने अपने पति विग्नेश सिवन के साथ चेन्नई में दो में जल्दी में समर्थन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था दो हजार इक्कीस में नयनतरा ने प्रसिद्ध तवाचा तो विशेषज्ञ डॉक्टर रेनीता राजन के साथ लिंग था होठ देखभाल कंपनी दल लिप बाम कंपनी लॉन्च की व दो नौ स्किन नाम के अपने ब्रांड के साथ इसके स्किन केयर रेज में कदम रखने वाली हैं है, इसके अलावा उन, उन्हों, उन्होंने उन्होंने तनिष्क सी फूड ब्रांड फिपोला और जीआरटी ज्वेलर्स सहित ब्रांडों और उत्पादों का प्रचार किया है दो हज़ार इक्कीस में नेत्रा और विग्नेश शिवम ने अपना फिल्म निर्माण उद्यम राउडी पिक्चर्स लॉन्च किया जिसके जिसने कुल दो हज़ार इक्कीस में बनाई है जिन्हें कई प्रशंसाएं मिली नेत्रिकन दो हज़ार इक्कीस और कातुवाकूल्ला रेड्डू कादम दो हज़ार बाईस अजीत कुमार अजीत कुमार का जन्म एक मई उन्नीस को हुआ था उनके पिता पी डर सुब्रमण्यम पलक केरल के मलयाली थे और उनकी मां मोहिनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सिंधी है अजीत तीन भाइयों में से मंजला बेटा था दूसरे भाई थे अनूप कुमार के एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक से उद्यमी बने अजीत ने अपनी उच्च मा, माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले दसवीं कक्षा के दौरान आसंद मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया एनफील्ड कंपनी में काम करने वाली एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से अजीत एक प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुए और मैकेनिक बनने के लिए छः महीने का प्रशिक्षण लिया बाद में उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर भूमिका छोड़ दी जो चाहते थे कि अजीत को एक सफ़ेद नौकरी मिले और प्रशिक्षु के तो रूप में एक अन्य पारिवारिक मित्र की कम मित्र की कपड़ा निर्माता निर्मा कंपनी में शामिल हो गए अंततः वह एक बिजनेस डेवलपर बनने के लिए आगे बढ़े और अपने अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करते हुए बिक्री असाइनमेंट पर नियमित रूप से पूरे देश में यात्रा की भूमिका से इस्तीफा देने के बाद अजीत ने तीन अन्य सौजेदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक कपड़ा व्यवसाय स्थापित किया बिजनेस वेंचर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिसके चलते अजीत को कपड़ा उद्योग में दूसरी नौकरी करने के लिए प्रेरित होना पड़ा इस अवधि के दौरान अजीत ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दिया हर क्यू, साइकिल और मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पी सी श्री उनकी विशेष रूप से खोज की गई जिन्होंने महसूस किया कि उनमें अभिनेता बनने की क्षमता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ नब्बे के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदू एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका के से की उन्होंने खुद को कादल कुट्टई दो उन्नीस सौ छियानवे अरुवल्ला उन्नीस सौ अंठानवे और कादल मनन उन्नीस सौ अट्ठानबे से साथ एक के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलाम उन्नीस सौ निन्यानवे से शुरुआत करके खुद को एक, एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया ऐसे सूर्या की वैली उन्नीस सौ निन्यानवे में अजीत के जुड़वा भाइयों के दौर दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख्य है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया उन्होंने बिजले विजीलैंड फिल्म सिटी सिटीजन दो हज़ार एक में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की तो तोड़ू में उन्होंने में अभिनय किया जिसमें उन्होंने तीन अलग अलग भूमिकाएं निभाई दो हज़ार छः की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक की डम दो हज़ार सात और बिल्ला दो हज़ार सात में अभिनय किया दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अजी अर्जित की अजीत ने मन कथा दो हज़ार में एक खलनायक नायक की भूमिका निभाई जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली रिलीज बिल्ला टू दो तमिल सिनेमा की पहली प्रीक्वल थी कहानी को बताते बताने के नए तरीके खोजने के लिए बारे में अहम विश्वासम के साथ से और अधिक करते हुए हैं वह अपने स्टार के विश्वास को सही ठहराते हैं पहला पद पाँच में से तीन रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है विश्वासम के पास थिएटरों थिएटर में जाने लायक कई पल हैं बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षण में से एक है एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है फिल्म जिसके अपने मुद्दे हैं लेकिन फिर भी यह देखने में काफ़ी मनोरंजक है इंडियन ग्लिट्स ने पाँच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा विश्वासम शिव है अजीत कॉम्बो का परिवारों को के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार सिफी ने पाँच में से तीन रेटिंग देते हुए कहा अजीत आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में भी है अभिनेता थुकु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जावन दिखते हैं विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है जाए और अपने परिवार के साथ आनंद लें इंडियन टूडे में पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक मेरू थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा कहती है द न्यूज़ मिनट ने पाँच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए कहा विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है द हिंदू ने कहा फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना कराना है होता है लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है सिनेमा एक्सप्रेस ने पांच में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना, देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है विश्वासम को जन्म दस जनवरी दो हज़ार उन्नीस को रजनीकांत अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था यह फिल्म पच्चीस फरवरी दो हज़ार उन्नीस को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी सैटेलाइट राइट्स ऑन नेटवर्क को बेचे गए थे साउंड ट्रैक एल्बम डी इमान द्वारा रचित है जो अजीत कुमार और शिव के साथ है उनका पहला सहयोग है बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन मारजावा के लिए कॉपी किया गया था जिसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया और रितेश देशमुख के मुख्य भूमिका में थे मुख्य फोटोग्राफी तेईस मार्च दो हज़ार अठारह को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई यह अंत सात मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर दो हज़ार अठारह में समाप्त हुआ और पोंगल दो हज़ार उन्नीस के लिए जारी किया गया था अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति ज्योति फिल्म निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की घोषणा नवंबर 2017 में के अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर ट्वीट हैडल के माध्यम से की गई थी फरवरी 2018 के की शुरुआत में नयन तरा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया था डी डडी मान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था बतौर अभिनेता या योगी बाबू की सौवीं फिल्म होंगी थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार नैन निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी श्वेता थुकुदुराई के थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्रन जगपति बाबू गौतम वीरा के रूप में थुकुदुराई प्रति के प्रतिदत्ति केशवन के रूप में विवेक थम्बीर मैया रोशमानी के रूप में रोबोशंकर मेरिट के रूप में फिलोमी फिलोमिना के रूप में कोई शर्म योगी बाबू वेलू वैल्यू के रूप में नेहा के रूप में सोलोनी उमेश बडे कले रानी पेची अम्मा के रूप में थुकुदुराई की चाची थुकुदुराई की, की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार की चाची के रूप में रजिता थुकुदुरई के चाचा के रूप में एआरआर मनोहर थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा जंगीरी मदुमी, मा, मदुमी की चचेरी वाहन के रूप में के के दोस्त रूप में रमेश तिलर के मित्र के रूप में नमो नारायण तुकुदुराई श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वानी गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकार आऊ के रूप में माइम गोपी को कोजी मुथ के रूप में ओ ओके को तुकुदरक प्रतिद्वंदी नारायण लक्की निरंजना के सहयोगी प्रबंधन के रूप में निरंजना के सहकर्मी प्रिया के रूप में पारी पापरी घोष निरंजना के सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक निरंजन के सहयोगी के रूप में शर्मिला थापा जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दूरई राज एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कांडा मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप के रूप में छत्रपति शेखर तुगुद्रे के दोस्त कोमी कोजी मुथू की सहायक के रूप में संपत राम एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजक एक पहलवान के रूप में रवि एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी तो मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म को समीक्षकों से मिक्सित समीक्षाएं मिली डी डी मान ने सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता तो थेनी में अपनी गांव कोडुवीरापट्टी के प्रतिद्वंदी प्रतिष्ठित मुखिया मुखिया और व्यवसायी है दस वर्षों के बाद गांव के अयनार मंदिर में एक वीजा होने वाला है जब थुकुदुराई को प्रतिद्दी कोजी मुतु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थूकुदुराई का घमंड उसे और उसके गोरगे को डराता है इसलिए थिरु वीजा योजना के अनुसार होता है हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं बहुत विचार विरमा विमर्श के बाद थोको ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया यात्रा के दौरान थोको के चाचा मेरिट और रोशमानी थोको के वर्तमान जीवन के से परेशान हैं और दस बारह साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं थकुदरा एक खुश मिजाज आदमी और चावल मिल का मालिक हुआ करता था मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए हिंसा तरीकों का हिंसक तरीकों का उपयोग करता है कुछ गुंडों का पीछा करते समय थकुदुरा की मुलाका मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ म, मामला दर्ज करता कराती है जब थुकुदराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है लेकिन बाद में अवदयन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा को से लड़ने के बाद थूकुदुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दी निरंजना को थूकुदुराई के प्रति अपना अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थकुदुराई के झगड़े में शामिल होने के होने से परेशान है जल्दी ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थकुदुराई के लिए मना कर देती है अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थोकोधुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अवदयपन जो बदला लेने की प्रतिष्ठा कर रहा है थोकोधुराई के साथ झगड़ा करता है निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थूकोधुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है लेकिन निरंजना थोकोधुराई पर क्रूरित थो हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है वहां गांव छोड़कर शहर आ जाती है फ्लैशबैक के बाद थोकोधुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल हंड्रेड मीटर किताब के लिए दावेदार है जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है तो कुदराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है तब यह पता चलता है कि प्रशिष्ट तो उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है क्योंकि उनकी बेटी ने नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित तो वही हासिल करते थे वह अपनी बेटी नेहा से भी वही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिल मिली से धीमी है जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा उससे उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसका सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और इसने हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कोशिश कर मारने की कसम खाता है उसे बचाने के बाद थुक दुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले दस दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का डाइवर नियुक्त करे इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बाद बारे में खुलासा नहीं करेगा जिससे वह अनिश्चा से सहमत हो जाती है वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाने बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है थुकुदराई तो बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से पहले तो थुकुदराई एक कार ने कार से ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थोकुधुराई ठीक हो जाता है श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है प्रतियोगि प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थोकुधुराई से लड़ता है जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थूकुदराई श्वेता के पिता है थोकुदुराई गौतम से लड़ता है ट्रैक पर पहुँचता है और सीटी बजा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है श्वेता जीज गई उसी समय गौतम थूकु पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है थूकु गौतम से कहते हैं कि बच्चे को उनकी इच्छा से अनुसार बड़ा करना होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं श्वेता को विजेता घोषित किया गया साथ ही निरंजना ने उसके नाम किसी के साथ थूकुदराई का नाम जोड़ा और थूकु दुराई के साथ फिर से जुड़ गए नयनतरा नयन तरा डायना मरियन कुरियन अठारह जन्म अठारह नवंबर उन्नीस सौ चौरासी एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक वो से इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड हंड्रेड दो हज़ार अठारह की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह पॉइंट वन सेवन करोड़ थी उन्होंने दो दशकों से अधिक लंबे करियर में अस्सी से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप रूप में संबोधित किया जाता है नयनतारा ने साउथ में पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने श्री रामराजस्यम दो हज़ार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री राजा रानी दो हज़ार तेरह नानू राव धान दो हज़ार पंद्रह और राम दो हज़ार अठारह के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री और पुथिया नियम दो हज़ार सोलह के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता दो हज़ार इक्कीस में लेडी सुपरस्टार नयनतारा नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला स्टार विजय पर प्रसारित की गई थी मेजबानी ने नयन से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिगत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में बातचीत की और उनकी प्रशंसकों को उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया नेटफ्लिक्स ने नए तरह भी द फेयर फेयरी टेल में भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है जो अभी रिलीज नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म उद्योग में नयंतरा के काम और विग्नेश शिवम के साथ, साथ उनके संबंध पर केंद्रित हैं नयंतरा को तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है मार्च 2022 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नयंतरा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई नयन अपने दमदार और दमदार दागरी के लिए जानी जाती है उन्हें अराम माया अनामिका कोलामाऊ कोकिला और नेत्रिकन जैसी महिला केंद्रीय फिल्मों में अपनी मजबूत भूमिका के साथ दक्षिण उद्योग में बदलोलाव का श्रेय दिया जाता है श्री राम राज्य राजा रानी पुथियाम नियमम नरसिम्हा रेड्डी और कई अन्य फिल्मों में उनकी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है वह उन कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी दमदार फिल्मों से पूरा पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग पर कब्जा कर लिया है फोप्स इंडिया की दिव्या जे, जे शेखर ने कहा जो बात नए तरह के अधिकांश पुरुष सितारों से अलग करती है वह सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता है द न्यूज मिनट की शारदा यू ने अपनी सफलता का कारण अपनी अद्वितीय फिल्मोग्राफी व्यावसायिक और सामग्री संचालित फिल्मों का मिश्रण को श्रेय दिया फेमिना के कयाल बीजी अर्यवलन ने कहा कि नया ने महिला केंद्रीय फिल्मों नया आदर्श बनाई बनाई इंडियन टुडे की जननी के को लग, लगता है कि वह फिल्म के में किसी पुरुष कलाकार के लिए एक बिना भी भीड़ को खींचने में सक्षम है द, दस में उन्हें तमिल सिनेमा में योगदान के लिए का मामनी पुरस्कार मिला द इन हिंदू ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पुरस्कार महिलाओं में से एक बताया 2018 दो हज़ार इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी रेडियो के शेयर की से पांच तमिल अभिनेत्रियों की सूची में वह 2013 में पांचवें स्थान पर रही और 2016 में प्रथम स्थान पर रही 2007 में की शीर्ष तेलुगु अभिनेत्रियों की सूची में उन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया दो हज़ार सोलह के शीर्ष पाँच मलयालम अभिनेत्रियों की सूची में वह चारवें स्थान पर रही नयनतरा हॉस्टेड हॉस्टेंट तमिल अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही फेमिना ने नयन तरह को दो हज़ार इक्कीस की अपनी फेमिना फैब चालीस सूची में शामिल किया और कहानी की वह लेडी सुपरस्टार है नयनतरा दो हज़ार पंद्रह और दो हज़ार सोलह में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी 2023 में नयंत्र ने, ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू किया और एक मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाली सबसे तेज महिला अभिनेता बनने का, के, का कैटरीन कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया नयनतारा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म मना सिंह कर दो से की उन्होंने तमिल सिनेमा में आया 2005 से और तेलुगु सिनेमा में लक्ष्मी 2006 से डेब्यू किया पौराणिक फिल्म श्री राम राज्यम हजार में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी दो एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिल और तमिल तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता दो हज़ार पंद्रह और राजनीतिक नाटक आराम दो हज़ार सत्रह अपराध नाटक पुथिया नियमम दो हज़ार सोलह में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नेम ने, अनामिका 2014, 2015, 2018, 2019, और और दो हज़ार चौदह माया दो हज़ार पंद्रह कोलामाऊ कोकिला दो हज़ार अठारह एरा दो हजार उन्नीस और नेत्रिकन दो हज़ार बाईस सफल महिला केंद्रीय फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया नियंत्रण के अन्य सफल और उल्लेखनीय कामों में ग गजनी 2005 बिल्ला 2007 हज़ार सात मोहिनी 2008 बॉडीगार्ड 2010 कृष्णम वंदे जगुरुदम 2012 धानी वोरुवन 2015 हज़ार 2016 विश्वासम दो विश्वासम बिगेल दो शामिल हैं हाड्डी सबीम दो हज़ार उन्नीस दरबार दो हज़ार बीस सन्नाटक दो हज़ार इक्कीस और गॉड फादर दो हज़ार बाईस व पाँच दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और आठ दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्त करता है नंत्र का जन्म डायना मोरिया मरियम कुरियन के रूप में अठारह उन्नीस सौ चौरासी को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था केरल के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कुरियन टू और ओमाना कोरियन के घर उनके बड़े भाई लेनो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं क्योंकि उनके पिता भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे नयेत्र ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल्ला में उन्होंने बालिका माडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरु तिरुमलपुरम में पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मारतोमा कॉलेज तिरुवल्ला में दाखिला लिया मलयाली माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ सात अगस्त दो को उन्होंने चेन्नई के चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया सबके उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में रूपांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका स्टेज नाम नैंतरा उनका आधिकारिक नाम बन गया वह एक पॉलीडेक्टाइल है जिसके बाएं हाथ पर एक अल्प, अल्प अल्पी अल्प विकसित उंगली है नैंतरा और निर्देशक विग्नेश सिवन दो में नानू राउडी धान पर एक साथ काम करने के बाद से एक रिश्ते में हैं इस जोड़े ने 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में शादी कर ली अक्टूबर 2022 में जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से और उलगम नाम में अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की नैनता एक मानवी हैं और कई सामाजिक कारणों को समर्थन देती है उन्होंने रुपए की राशि दान की दो हज़ार बारह में तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान हटाने के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष राहत कोष में पाँच लाख रुपए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद मदद के लिए फिल्म एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन को बीस लाख रुपए का दान दिया इसके अलावा वह विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रही है वह एक भारतीय संस्कृति समर्थन भी है और उन्होंने अपने पति विग्नेश सिवन के साथ चेन्नई में दो में जल्दी कट्टू समर्थन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था दो हजार इक्कीस में नयन ने प्रसिद्ध तवाचा तो विशेषज्ञ डॉक्टर रेनीता राजन के साथ लिंग था ठ देखभाल कंपनी दल लिप बाम कंपनी लॉन्च की व दो नौ स्किन नाम के अपने ब्रांड के साथ इसके स्किन केयर रेज में कदम रखने वाली हैं है, इसके अलावा उन, उन्हों, उन्होंने उन्होंने तनिष्क सी फूड ब्रांड फिपोला और जीआरटी ज्वेलर्स सहित ब्रांडों और उत्पादों का प्रचार किया है दो हज़ार इक्कीस में नैंत्रा और विग्नेश शिवम ने अपना फिल्म निर्माण उद्यम राउडी पिक्चर्स लॉन्च किया जि जिसके जिसने कुल दो हज़ार इक्कीस फिल्म में बनाई है, जिन्हें कई प्रशंसाएं मिली नेत्रिकन दो हज़ार इक्कीस और कातुआकूल्ला रेड्डू कादम दो हज़ार बाईस अजीत कुमार अजीत कुमार का जन्म एक मई उन्नीस को हुआ था उनके पिता पी डर सुब्रमण्यम पलक केरल के मलयाली थे और उनकी मां मोहिनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सिंधी है अजीत तीन भाइयों में से मंजला बेटा था दूसरे भाई थे अनूप कुमार के एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक से उद्यमी बने अजीत ने अपनी उच्च मा, माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले दसवीं कक्षा के दौरान आसंद मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया एनफील्ड कंपनी में काम करने वाली एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से अजीत एक प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुए और मैकेनिक बनने के लिए छः महीने का प्रशिक्षण लिया बाद में उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर भूमिका छोड़ दी जो चाहते थे कि अजीत को एक सफ़ेद नौकरी मिले और प्रशिक्षु के रूप में एक अन्य पारिवारिक मित्र की कम मित्र की कपड़ा निर्माता निर्मा कंपनी में शामिल हो गए अंततः वह एक बिजनेस डेवलपर बनने के लिए आगे बढ़े और अपने अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करते हुए बिक्री असाइनमेंट पर नियमित रूप से पूरे देश में यात्रा की भूमिका से इस्तीफा देने के बाद अजीत ने तीन अन्य सौजेदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक कपड़ा व्यवसाय स्थापित किया बिजनेस वेंचर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिसके चलते अजीत को कपड़ा उद्योग में दूसरी नौकरी करने के लिए प्रेरित होना पड़ा इस अवधि के दौरान अजीत ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू कर दिया हर हरक्यूम हॉलक्यूलिक्स साइकिल और मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी सी श्री उनकी विशेष रूप से खोज की गई जिन्होंने महसूस किया कि उनमें अभिनेता बनने की क्षमता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ नब्बे के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदू एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका के से की उन्होंने खुद को कादल कोट्टई दो उन्नीस सौ छियानवे अव्वल अरुवल्ला उन्नीस सौ अंठानवे और कादल मनन उन्नीस सौ अट्ठानबे से, से सात ए के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में, एक में स्थापित किया और फिल्म अमरकलाम उन्नीस सौ निन्यानवे से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया एस सूर्या की उन्नीस सौ निन्यानबे में अजीत के जुड़वा भाइयों के दोहरे दौर, चित्रण जहां एक बहरा मुख है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया उन्होंने बिजले विजिलैंड फिल्म सिटी सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए जहाँ आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की तो हज़ार में उन्होंने वरलारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने तीन अलग अलग भूमिकाएं निभाई यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर फिल्म पुरस्कार मिला अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक की रिडम दो और बिल्ला दो में अभिनय किया दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की अजीत ने मन कथा दो में एक खलनायक नायक की भूमिका निभाई जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई उनकी अगली रिलीज बिल्ला टू दो तमिल सिनेमा की पहली प्रीक्वल थी अजीत जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़ों के लिए विदेश विदेश भी गए हैं उन्होंने 2003 हज़ार तीन फार्मूला एशिया बी एम डब्ल्यू चैम्पियनशिप में गाड़ी चलाई उन्होंने 2010 हज़ार दस फार्मूला टू चैम्पियनशिप में दो अन्य भारतीय अरमान इब्राहिम और पार्थिवा सुरेश्वर के साथ दौड़ लगाई है वीराम चने जगपति चौधरी जन्म बारह फरवरी उन्नीस सौ बासठ से जगपति बाबू के नाम से जाने जाते हैं एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल मलयालम हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देते हैं। दे दिए हैं तैतीस साल के करियर में बाबू ने एक फीचर फिल्मों में काम किया है और चार फिल्म फेयर पुरस्कार और सात राज्य नंदी पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन्होंने कोडी रामकृष्णा एस वी कृष्ण रेड्डी राम गोपाल वर्मा कृष्णा वामसी ई वी वी सत्यनारायण गोदशेखर चंद्रशेखर एल ए टी शिव एम रत्नम के केडर राघवेंद्र राव राधा मोहन मोहन राजा जेडी चक्रवर्ती बोयापति जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम किया है शीनु श्री विक्रम श्रीनिवास वैशाख और शू कुमार जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मसलीपट्टम में अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था तेलुगु सिनेमा में पहचान बनाने से पहले उनका पालन पोषण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था उन्होंने लक्ष्मी से शादी की और उन विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है जाए और अपने परिवार के साथ आनंद लें इंडियन टूडे पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक मेरू थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा कहती है द न्यूज़ मिनट ने पाँच में से दो स्टार रेटिंग देते हुए कहा विवेकम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है द हिंदू ने कहा फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना कराना है होता है लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है शिव एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है सिनेमा एक्सप्रेस ने पांच टू से फाइव स्टार रेटिंग देते हुए कहा निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना, देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है विश्व असम को जन्म दस जनवरी दो हजार उन्नीस को रजनीकांत अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था यह फिल्म पच्चीस फरवरी दो हजार उन्नीस को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी सेटेलाइट राइट्स और नेटवर्क को बेचे गए थे साउंड ट्रैक एल्बम डी मान' द्वारा रचित है जो अजीत कुमार और शिव के साथ हैं उनका पहला सहयोग है बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मनोरंजन मारजावा के लिए कॉपी किया गया था जिसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा तारा सुतारिया और रितेश देशमुख के मुख्य भूमिका में थे मुख्य फोटोग्राफी तेईस मार्च दो को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई यह अंतर सात मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया था अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की घोषणा नवंबर 2017 में के अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर ट्वीट हैडल के माध्यम से की गई थी फरवरी 2018 की शुरुआत में नयन तरा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया था डी मान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था बतौर अभिनेता या योगी बाबू की सौवीं फिल्म होंगी थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार नैन निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी श्वेता थुकुदुराई के थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्रन जगपति बाबू गौतम वीरा के रूप में थुकुदुराई के प्रतिदत्ति केशवन के रूप में विवेक थम्बीर रोशमानी के रूप में रोबोशंकर मेरिट के रूप में फिलोमी फिलोमिना के रूप में कोई शर्म योगी बाबू वेलू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सोलोनी उमेश बर्डे कलेरानी रानी पेची अम्मा के रूप में थोकुदुराई की चाची थोकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार की चाची के रूप में रजिता थोकुदुरई के चाचा के रूप में ए आर आर मनोहर थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा जंगीरी मधुमी मधुमिता थुकुदुराई की चचेरी वाहन के रूप में थुकुदुराई के दोस्त के रूप में रमेश तिलर थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण थुकुदुराई श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वानी गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि रौ, प्रकार आऊ के रूप में माइम गोपी को, कोजी मुथु के रूप में ओ की सुंदर थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लक्की निरंजना के सहयोगी प्रबंधन के रूप में निरंजना के सहकर्मी प्रिया के रूप में पारी पापरी घोष के सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल निरंजना के सहयोगी के रूप में टी एम कार्तिक निरंजन के सहयोगी के रूप में शर्मिला थापा जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरई राज एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कांडा मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप के रूप में छत्रपति शेखर तुगुद्रे के दोस्त कोमी, कोजी मुथु की सहायक के रूप में संपत राम एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजक एक पहलवान के रूप में वान एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसिम तो तुकुद्रे मित्र के रूप में शाई सिद्धार्थ यह फिल्म दस जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली डी डा डी मान ने सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता तो थेनी में अपनी गांव कोडुवी रापट्टी के प्रतिद्ध प्रतिष्ठित मुखिया मुखिया और व्यवसायी है दस वर्षों के बाद गांव के अयन्नार मंदिर में एक वीजा होने वाला है जब थूकुदुराई को प्रतिद्वंदी कोजीमुतु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थुकुदुराई का घमन उसे और उसके गोर्गे को डराता है इसलिए वीजा योजना के अनुसार होता है हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं बहुत विचार विरमा विमर्श के बाद थुकु ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया यात्रा के दौरान थुकुदुराई के चाचा मेरिट और रोशमानी थुकु के वर्तमान जीवन के से परेशान हैं और दस बारह साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं थुकुदरा एक खुश मिजाज आदमी और चावल मिल का मालिक हुआ करता था मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए इन सात तरीकों का इन सब तरीकों का उपयोग करता है कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुकुदुरा की मुलाका मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ म, मामला दर्ज करता कराती है जब थुकुदुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है लेकिन बाद में अवदयपन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा को से लड़ने के बाद थूकुदुराई ने अपना खेत अपने चावल मिल में स्थानांतरित कर दी निरंजना को थूकुदुराई के प्रति अपना अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थोकुदुराई के झगड़े में शामिल होने के होने से परेशान है जल्द ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्म कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थोकुदुराई के लिए मना कर देती है अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थोको से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अवधयपन जो बदला लेने की प्रतिष्ठा कर रहा है थोको के साथ झगड़ा करता है निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थोको दुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है लेकिन निरंजना थोकोधुराई पर क्रूरित थो हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है वहाँ गांव छोड़कर शहर आ जाती है फ्लैशबैक के बाद थोकोधुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल हंड्रेड मीटर किताब के लिए दावेदार है जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है थुकुदराई तो उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है तब यह पता चलता है कि प्रशिष्ट उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है क्योंकि उनकी बेटी ने नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित तो वही हासिल करते थे वह अपनी बेटी नेहा से भी वही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिल मिली से धीमी है जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा उससे उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसका सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और इसने हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई गौतम अपनी बेटी की हालत देख कर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कोशिश मारने की कसम खाता है उसे बचाने के बाद थुको दुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले दस दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का डाइवर नियुक्त करे इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बाद बारे में खुलासा नहीं करेगा जिससे वह अनिश्चा से सहमत हो जाती है वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाने बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है थुकुदराई तो बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से पहले थुकुदराई तो एक कार ने कार से ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थोकोधुराई ठीक हो जाता है श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थूकुदुराई से लड़ता है जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थोकुदराई श्वेता के पिता है थोकुदुराई गौतम से लड़ता है ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजा अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है श्वेता जीज गई उसी समय गौतम थोकू दुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है थोकू दुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चे को उनकी इच्छा से अनुसार बड़ा करना होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं श्वेता को विजेता घोषित किया गया साथ ही निरंजना ने उसके नाम किसी के साथ थूकुदराई का नाम जोड़ा और थूकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए नयनतरा नयनतरा डायना मौरियन कुरियन अठारह जन्म अठारह नवम्बर उन्नीस एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक वो से इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड हंड्रेड दो हज़ार अठारह की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी उन्होंने दो दशकों से अधिक लंबे करियर में अस्सी से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के रूप रूप में संबोधित किया जाता है नयनतरा ने साउथ में पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं उन्होंने श्री रामराज चंद दो हज़ार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री राजा रानी दो हज़ार तेरह नानू राव धान दो हज़ार पंद्रह और राम दो हज़ार अठारह के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री और पुथिया नियम दो हज़ार सोलह के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता दो हज़ार इक्कीस में लेडी सुपरस्टार नयनतरा नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला स्टार विजय पर प्रसारित की गई थी मेजबानी ने नयनतरा से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिगत व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में बातचीत की और उनकी प्रशंसकों को उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया नेटफ्लिक्स ने नए तरह बिया द फेयर फेयरी टेल में भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है जो अभी रिलीज नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म उद्योग में नयंतरा के काम और विग्नेश शिवम के साथ उनके संबंध पर केंद्रित है नयंतरा को तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है मार्च 2022 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नयन सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई नयन अपने दमदार और दमदार अदागरी के लिए जानी जाती है उन्हें अराम माया अनामिका कोलामाऊ कोकिला और नेत्रिकन जैसी महिला केंद्रीय फिल्मों में अपनी मजबूत भूमिका के साथ दक्षिण उद्योग में बदलोलाव का श्रेय दिया जाता है श्री राम राजा रानी पुथिया सईरा नरसिम्हा रेड्डी और कई अन्य फिल्मों में उनकी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है वह उन कुछ दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी दमदार फिल्मों से पूरा पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग पर कब्जा कर लिया है फोप्स इंडिया की दिव्या जे दिव्याखर ने कहा जो बात नए तरह के अधिकांश पुरुष सितारों से अलग करती है वह सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता है द न्यूज मिनट की शारदा यू ने अपनी सफलता का कारण अपनी अद्वितीय अधी फिल्मोग्राफी व्यावसायिक और सामग्री संचालित फिल्मों का मिश्रण को श्रेय दिया फेमिना के कयाल बीजी अर्वलन ने कहा कि नयनतारा तरह ने महिला केंद्रित फिल्मों नया आदर्श बनाई बनाई इंडियन टूडे की जननी के को लग, लगता है कि वह फिल्म के में किसी पुरुष कलाकार के लिए एक बिना भी भीड़ को खींचने में सक्षम है द, दस में उन्हें तमिल सिनेमा में योगदान के लिए कहा कलई मामनी पुरस्कार मिला द इन हिंदू ने उन्हें भारतीय सिनेमा की पुरस्कार महिलाओं में से एक बताया नयनतरा दो हज़ार अठारह की फोप्स इंडिया सेलिब्रिटी हंड्रेड सूची में शामिल होने वाली एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गई उनकी कुल वार्षिक कमाई पंद्रह करोड़ थी रेडी डॉट कॉम की शेर से पांच तमिल अभिनेत्रियों की सूची में वह 2013 में पांचवें स्थान पर रही और 2016 में प्रथम स्थान पर रही 2007 में की शीर्ष तेलुगु अभिनेत्रियों की सूची में उन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया दो हजार सोलह के शीर्ष पांच मलयालम अभिनेत्रियों की सूची में वह चारवें स्थान पर रही नयंतरा हॉस्टेड हॉस्टेंट तमिल अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही फेमिना ने नयन तरा को 2021 की अपनी फेमिना फैब 40 सूची में शामिल किया और कहानी की वह लेडी सुपरस्टार है नयनतरा दो और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी और 2016 में चेन्नई टाइम्स की सबसे वासनीय महिला बनी 2023 में नयनत्रा ने, ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू किया और एक मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचने वाली सबसे तेज महिला अभिनेता बनने का, के, का कैटरीन कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया नयनतारा तरह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म मना करी कर दो से की उन्होंने तमिल सिनेमा में आया दो से और तेलुगु सिनेमा में लक्ष्मी 2006 से डेब्यू किया पौराणिक फिल्म श्री राम राज हज़ार में देवी सीता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार दिलाया उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी दो एक्शन कॉमेडी नानुम राउडी धान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिल और तमिल, तमिल तमि तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता 2015 और राजनीतिक नाटक आराम 2017 अपराध नाटक पुथिया नियमम 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नयनतरा नियम ने, अनामिका 2014 माया 2015 हज़ार कोलामाऊ कोकिला 2018 एरा 2019 और नेत्रिकन 2022 हजार सफल महिला केंद्रीय फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया निरंतर के अन्य सफल और उल्लेखनीय कामों में गजनी 2005, बिल्ला 2007, हज़ार सात मोहिनी 2008, हज़ार आठ बॉडीगार्ड दो हजार दस कृष्णम वंदे जगुरुदम दो हज़ार बारह धानी वोरुव दो हज़ार पंद्रह कासम दो हजार सोलह विश्वासम दो हजार विश्वासम बिगेल दो हजार शामिल हैं शाही नरसिम्हाड्डी दो हजार उन्नीस दरबार दो हज़ार बीस और नाते दो हज़ार इक्कीस गॉड फादर दो हज़ार बाईस व पांच दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और आठ दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्त करता है नंतरा का जन्म डायना मौरिया मौर्य कुरियन के रूप में अठारह नौ उन्नीस को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था केरल के एक सीरियाई ईसाई परिवार में कुरियन टू और ओमाना कोरियन के घर उनके बड़े भाई लेन लेनो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं चूंकि उनके पिता भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे नयेत्र ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर गुजरात और दिल्ली में की तिरुवल्ला में उन्होंने बालिका माडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरु तिरुमलपुरम में पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए मार्तमा कॉलेज तिरुवल्ला में दाखिला लिया मलयाली माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ सात अगस्त दो को उन्होंने चेन्नई के चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया सबके उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में रूपांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका स्टेज नाम नैनतरा उनका आधिकारिक नाम बन गया वह एक पॉलीडेक्टाइल है जिसके बाएं हाथ पर एक अल्प, अल्प अल्पी अल्प विकसित उंगली है नैनतरा और निर्देशक विग्नेश सिवन दो में नानू राउडी धान पर एक साथ काम करने के बाद से एक रिश्ते में हैं इस जोड़े ने 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में शादी कर ली अक्टूबर 2022 में जोड़े ने सरोगेसी के माध्यम से उईर और उलगम नाम में अपने जुड़वा बच्चों के जन्म की घोषणा की नैनता एक मानवी हैं और कई सामाजिक कारणों को समर्थन देती है उन्होंने रुपए की राशि दान की दो हज़ार बारह में तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान ठहानी के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष राहत कोष में पाँच लाख रुपए कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की उम्मीद मदद के लिए फिल्म एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन को बीस लाख रुपए का दान दिया इसके अलावा वह विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रही है वह एक भारतीय संस्कृति समर्थन भी है और उन्होंने अपने पति विग्नेश सिवन के साथ चेन्नई में दो में जल्दी कट्टू समर्थन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था दो हजार इक्कीस में नयनतरा ने प्रसिद्ध तचार विशेषज्ञ डॉक्टर रेनीता राजन के साथ लिंग था होठ देखभाल कंपनी दल लिप बाम कंपनी लॉन्च की व दो नौ स्किन नाम के अपने ब्रांड के साथ इसके स्किन केयर रेज में कदम रखने वाली हैं है, इसके अलावा उन, उन्हों, उन्होंने उन्होंने तनिष्क सी फूड ब्रांड फिपोला और जीआरटी ज्वेलर्स सहित ब्रांडों और उत्पादों का प्रचार किया है दो हज़ार इक्कीस में नैन और विग्नेश शिवम ने अपना फिल्म निर्माण उद्यम राउडी पिक्चर्स लॉन्च किया जिसके जिसने कू जंगल दो हज़ार इक्कीस बनाई है जिन्हें कई प्रशंसाएं मिली नेत्रिकन दो हज़ार इक्कीस और कातुआकूल्ला रेड्डू कादम दो हज़ार बाईस अजीत कुमार अजीत कुमार का जन्म एक मई उन्नीस को हुआ था उनके पिता पी डर सुब्रमण्यम पलक्का केरल के मलयाली थे और उनकी मां मोहिनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सिंधी है अजीत तीन भाइयों में से मंजला बेटा था दूसरे भाई थे अनूप कुमार के एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक से उद्यमी बने अजीत ने अपनी उच्च मा, माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले दसवीं कक्षा के दौरान आसन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया एनफील्ड कंपनी में काम करने वाली एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से अजीत एक प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम हुए और मैकेनिक बनने के लिए छ महीने का प्रशिक्षण लिया बाद में उन्होंने अपने पिता के अग्रह पर भूमिका छोड़ दी जो चाहते थे